दिस इज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हाई कोर्ट. आई एम हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज फॉर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ क्वालिटीज ऑफ पाकिस्तानी वुमेन. पाकिस्तानी वुमेन की क्वालिटीज क्या होती हैं, पाकिस्तानी वुमेन क्वालिटीज, हमारे पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनकी क्या खसूसियात होती हैं, द क्वालिटीज ऑफ द पाकिस्तानी वुमेन, पाकिस्तानी वुमेन की क्या क्वालिटीज होती हैं. देखिए, पाकिस्तानी आवाम में जो ख्वातीन हैं, वैसे तो ये जनरल कंसेप्ट है, सबसे पहली बात तो ये है कि औरतें मर्द से ज़्यादा वफादार होती हैं. और इसकी अगर खसूसियात देखें तो पहली खसूसियत ये खूबसूरती. खूबसूरती देखें, अगर देखी जाए तो पाकिस्तान में औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और अपनी खूबसूरती का वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं. और अक्सरियत औरतों की यही है कि वो अपना ज़्यादा वक्त खूबसूरती में गुजारती हैं, यही मीन मेकअप में गुजारती हैं. उनको अपने आप को मेंटेन रखना अच्छा लगता है, उनको अपने आप को मेकअप करना अच्छा लगता है और वो अपने आप को मेकअप करके रखती हैं, अपने आप को बन ठन के रखती हैं. अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को बनना संवरना, ये औरतों की खसूसियात है, पाकिस्तानी औरतों की खसूसियात है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं और अपना ज़्यादा वक्त वो अपने मेकअप पे भी गुजारती हैं. इस वजह से उनको अपने ब्यूटी पार्लर्स, अब जगह जगह देखें ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, वो इसी वजह से है कि औरतें में इंटरेस्ट लेती हैं. उनको अपनी खूबसूरती का बहुत ज़्यादा ख्याल होती है, नए नए कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वो भी उनकी एक वो होती है, खासियत है कि वो नए और अच्छे कपड़े पहनती है और अपने आप को मेंटेन और खुश रखती हैं, खूबसूरत रखती हैं और कोशिश करती हैं कि अपने आप को बन संवार के रखें, बना संवार के रखें. ये पाकिस्तानी वुमेन की खसूसियात है. दूसरी खसूसियात ये है जो सबसे अहम है, वो वफादारी है. वफादारी में पाकिस्तान की औरतें किसी से कम नहीं, सबसे ज़्यादा वफादार होती हैं. अगर हम दूसरी कंट्रीज का भी मुकाबला करते हैं कि अगरचे कहा गया है कि रशिया की वफादार होती हैं, लेकिन आई थिंक द मोस्ट द कंट्री फॉर द फेथफुल फॉर वीमेन इज पाकिस्तान. पाकिस्तानी औरतें बहुत वफादार होती हैं, पाकिस्तानी औरतें वफादार होती हैं, वो बेवफाई नहीं करती, वो केयरिंग भी होती हैं, लविंग होती हैं, बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं और इसके अलावा मोहब्बत जिताती हैं, मोहब्बत लुटाती हैं, मोहब्बत करती हैं. खावंद को खुश रखना उनको आता है, वो उनकी हर ख्वाहिश ये होती है कि अपने हस्बैंड को खुश करके रखें, खावंद को खुश रखती हैं. वो ट्रेडिशनल तौर पर बेसिकली वो इस्लामी की होती हैं, इस वजह से वो लायर होती हैं, वफादार होती हैं. इस्लामिक तौर पर वो ट्रेडिशनल इस्लामिक होती हैं, बने तौर पर वो पाकिस्तानी ख्वातीन एक मुसलमान ख्वातीन होती हैं, इस वजह से वो अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखती हैं. इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इस वजह से वो इस्लाम के नुक्ते नज़र से भी अपने हस्बैंड को मजाजी खुदा समझती हैं, उसकी बहुत केयर करती हैं, उसको खुश रखती हैं और उस केयरिंग और लविंग द मोस्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन. और इसके अलावा एक और जो पाकिस्तानी वुमेन की खासियत है, वो जो वो डिपेंडेंट है, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती, वो डिपेंडेंट ही रहती है. वो हस्बैंड के डिपेंड बहुत कम ऐसी है, वो कहते हैं नहीं, वी वांट टू एन इंडिपेंडेंट. औरतें जो है, पाकिस्तानी औरतें कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहती हैं. वो वैसे भी पाकिस्तानी माशरा एक मर्दों का माशरा है, अकेली औरत इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, पॉसिबल भी नहीं, इसलिए वो जो है अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट करती है, अपने हस्बैंड पर डिपेंड होती है. हाँ, हेल्प मांग जरूर मांगती है, इस सिलसिले में वो हेल्प करती है, हेल्प देती भी है. और इसके अलावा पाकिस्तानी वुमेन की दूसरी खासियत यह है कि हाई एक्सपेक्टेशन, पाकिस्तानी वुमेन हाई एक्सपेक्टेशन रखती है अपने खावन से. वो उनकी एक बहुत ज़्यादा तवक्कुआत होती हैं, बहुत तवक्कुआत रखती हैं, एक्सपेक्टेशन रखती हैं अपने हस्बैंड से, अपने उसे, कि वो कहती हैं, वो ये भी एक्सपेक्ट करती हैं कि हमारा हस्बैंड जो अदा होना चाहिए वो परफेक्ट मांगना चाहिए. सबसे वो आइडियालॉजी की तरफ जाती हैं कि आइडियल तौर पर हमारा हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड या जो मेरा हस्बैंड है वो आइडियल होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए. वो परफेक्ट मांगती हैं, पाकिस्तानी ख्वातीन अपने हस्बैंड को परफेक्ट मांगती हैं कि मेरा हस्बैंड जो वो परफेक्ट होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए. और वो कहती हैं मलका की तरह के ट्रीट भी मांगती हैं कि एज ए क्वीन, एज ए प्रिंसेस उनके साथ ट्रीट किया जाए. ये पाकिस्तान की वो बैड बिहेव वो पसंद नहीं करती, एज ए क्वीन, एज ए प्रिंसेस
अपने आप को मांगती है कि उसके साथ उनके साथ ऐसा ट्रीट करें। और अगर आप उसकी जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आप चूँकि वो हाई रखती हैं, अगर उनकी आप वो एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरते, उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरते, तो फिर तैयार हो जाओ कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। इसलिए बेहतर है कि अपनी ख्वातीन के जो तवक्कुआत हैं कोशिश करो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरो, उनकी तवक्कुआत को पूरा करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर आप खुद उसके लिए तैयार रहना, वो जो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तानी खवातीन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखती है, इसलिए आपको भी चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरो। अगर पूरा नहीं उतरोगे तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेज उसके जो नतायज होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। इसलिए जो उसकी तवक्कुआत है वो पूरा करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा पाकिस्तानी खवातीन में खासूसियत ये भी है कि वो रियल इमोशनल होती है। पाकिस्तानी ख्वातीन दूसरे कंट्रीज की तो एक अलग है, उनकी एक दूसरी तरह की लाइफ होती है, लेकिन जो पाकिस्तानी वुमेन्स है वो रियलिटी होती है, रियल होती है, हकीकत होती है, रियल उनके इमोशन जो होते हैं, उनके जज्बात जो होते हैं वो हकीकत के तौर पर होते हैं। वो जज्बात जो उनके इमोशंस होते हैं वो रियलिटी पर डिपेंड करते हैं। वो रोती है जब उनको किसी कोई तकलीफ मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है। वो उनके इनर इमोशन का नतीजा होता है, अपने अंदरूनी जो उसके इमोशन है उस बेस पर वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। और अगर हंसने की बात है तो हंसती भी बहुत है, बेतहाशा हंसती है, खुशी और मुसरत के लम्हों में हंसती भी ज़ोर ज़ोर से, काहे का हा काहे का है लगा के रो हंसती भी हैं। तो ये एक रियल इमोशन है पाकिस्तानी ख्वातिन की क्वालिटी कि वो हंसती भी हैं और रोती भी हैं, रोती भी हैं तो दबा के रोती हैं, हंसती भी हैं तो खिलखिला के हंसती हैं। ये क्वालिटीज है पाकिस्तानी वुमेन की। और इसके अलावा गुड फूड, अच्छी खुराक, अच्छा खाना बनाना, ये भी पाकिस्तानी ख्वातीन अक्सरियत, अगरचे आजकल प्रोफेशनल हो गई हैं पाकिस्तानी ख्वातीन भी, ज़्यादातर वो जॉब करती हैं, ये जॉब भी नहीं करती तो वो आजकल की जो नई लड़कियां हैं उनको खाना पकाना नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं लेती। लेकिन अगर हम ओल्ड के हिसाब से देखें, ओल्ड ख्वातीन के हिसाब से देखें, लेकिन आज भी बहरहाल बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं वो खाना पकाने के बड़ा शौकीन होती हैं, वो गुड फूड बनाती, अच्छी अच्छी गजाएँ बनाती, अच्छे अच्छे डिशें तैयार करती हैं अपने हस्बैंड के, अपने घर वालों के लिए। अच्छी अच्छी उनकी कोशिश होती है कि अच्छी आज डिश बनाए, आज हमारा हस्बैंड आएगा, आज कोई अच्छी चीज़ हम बना के रखें। तो अच्छी अच्छी डिशें ऑफकोर्स आपको नरसिया बना दे देंगी, अच्छी अच्छी डिशें खिला के, नए नए डिशें बना के, नए नए खाने बना के, नए खाने बनाती है, खाने बनाने में एक्सपर्ट होती है, खुद खाना बनाती है। उनकी कोशिश बहुत सी खवातीन हैं जिन्होंने वो रखे होते हैं, उन्होंने मेड सर्वेंट रखी होती है, लेकिन कोशिश होती है उनकी खाना हम खुद अपने हाथ से बनाए। ऐसे भी बाहर बहुत कम है जो खाना नहीं बनाती, ज़्यादातर खुद कोशिश होती है खाना, और जो बनाती है वो अच्छा खाना बनाती है और नए नए डिशेज बनाती है। तो अच्छा खाना बनाना, अच्छे खाना बनाना, ये भी पाकिस्तानी खवातीन की, पाकिस्तानी वुमेन की क्वालिटीज़ हैं। तो पाकिस्तानी, अगर हम अपने पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तानी ख्वातीन में जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी और कंट्रीज़ में नहीं पाई जाती। पाकिस्तानी ख्वातीन में जो खसूसियात है वो एक तो ये है कि वो ब्यूटीफुल होती हैं, रॉयल वफादार होती हैं और आप पे डिपेंड करती हैं और हाई एक्सपेक्टेशन भी रखती हैं, लेकिन साथ साथ रियल इनको इमोशन होता है, वो लविंग होती हैं, वो केयरिंग होती है और अच्छे खाने आपको खिलाती हैं, अच्छी ज़िंदगी की साथी प्रूफ होती हैं, अच्छी ज़िंदगी की साथी जो पाकिस्तानी ख्वातीन हैं वो बनती हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त दीजिए। Have a nice day. Allah Hafiz.